दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग हिंदी डब वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है 2022 में। और ये सभी वेब सीरीज एक्चुअल में 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से गिनी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी डब वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं और हर एक कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 9 थाई केव रेस्क्यू सीरीज बेस्ड है सर्वाइवल एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं यह कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा केव जहां पर एक्चुअल में एक फुटबॉल टीम ही फंस जाती है बच्चों की और उस बच्चों की टीम को उस केव से किस तरह सर्वाइव किया जाता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 8 द डेविल्स आर सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक मर्डर से लेकिन कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इवन इस सीरीज के बीच में और भी बहुत सारे पहलू दिखाने की कोशिश की गई है और वो सभी पहलू आपको सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 7 द मिडनाइट क्लब सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है नोका से जो कि एक्चुअल में एक कैंसर पेशेंट है और वो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक अनोखे हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि ये कंप्लीट हॉस्पिटल एक्चुअल में एक हॉरर हॉस्पिटल है। और लास्ट तक योना उस हॉस्पिटल की मिस्ट्री को रिवील करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की सीजन 1 आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और इस सीरीज को अगर आप चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 6 टेबल इन ओहा सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जो कि अपने घर को छोड़कर चली आती है और वो एक नए फैमिली को ज्वाइन कर लेती है लेकिन वो अपने नए फैमिली को कुछ ज्यादा ही प्यार करना शुरू कर देती है और इसी बीच वो अपने नए फैमिली को किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहती है और अपने पुराने फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों इस लड़की के पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं। इवन इसकी फैमिली के पीछे भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई है और ये सभी मिस्टीरियस चीजें असल में क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 5 सेंटो सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है सेंटो से जो कि एक्चुअल में एक क्रिमिनल है लेकिन इस क्रिमिनल का पता किसी को भी नहीं है। सब कहते हैं कि वो एक्चुअल में एक दानव है लेकिन असल में सेंटो की मिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 4 द प्राइफिलर सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है पेनी से जो कि एक्चुअल में वीडियो गेम खेलने में बहुत ज्यादा माहिर है लेकिन इसी बीच फ्यूचर से कुछ लोग आते हैं और उसे कन्विंस करते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए लेकिन ये वीडियो गेम थोड़ी डिफरेंट है। इस वीडियो गेम में अगर आप हारते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है लेकिन फेनी असल में उस गेम को क्यों खेलती है और दूसरी तरफ फ्यूचर से लोग आकर आखिरकार फेनी से ही ये गेम क्यों खेलवाना चाहते हैं ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। नंबर 3 शांताराम सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे एक गैंगस्टर की लाइफ को जो कि पहले तो एक गैंगस्टर रहता है लेकिन बाद में वो सन्यासी बन जाता है और उसके कंप्लीट लाइफ की जर्नी को इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV+ पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 2 द वॉचर सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है कैसे फैमिली से जो कि नई नई अपने घर में रहने आते हैं यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक नए कॉलोनी में वो रहने के लिए आते हैं लेकिन वहां पर आते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मोहल्ले वाले सभी उन पर नजर रख रहे हैं और आखिरकार वो मोहल्ले वाले उन पर नजर क्यों रख रहे होते हैं और इवन लास्ट तक ये फैमिली उन मोहल्ले वाले से अपना पीछा किस तरह छुड़ाती है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे धीमर। दोस्तों ये कंप्लीट वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि सीरियस क्राइम थ्रिलर बायोपिक देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सीरियल किलर के लाइफ को दिखाती है। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10/8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी वेब सीरीज रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बापून एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।